डायबिटीज आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आजकल न केवल बुजुर्ग बल्कि युवा और बच्चे भी इस गंभीर बीमारी का तेजी से शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज होने पर पैंक्रियाज में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है। अगर समय रहते इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये बीमारी शरीर के प्रमुख अंगों को डैमेज कर सकती है। डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है जिसका जड़ से इलाज काफी मुश्किल है। ऐसे में लोगों को जिंदगी भर दवाइयों के सहारे ही रहना पड़ता है। हालांकि सही लाइफस्टाइल और खानपान से भी इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। वहीं गर्मियों में लोग खाली पेट सत्तू पीते हैं। डायबिटीज के मरीज के लिए भी सत्तू काफी फायदेमंद है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि डायबिटीज के मरीज खाली पेट सत्तू का सेवन कर सकते हैं या नहीं। दरअसल डायबिटीज के मरीज अक्सर खाली पेट सत्तू पी सकते हैं या नहीं, इसे लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको बता दें कि डायबिटीज के मरीज को खाली पेट सत्तू पीने से कोई दिक्कत नहीं है। इससे गैस, एसिडिटी और कब्ज से छुटकारा मिल जाता है। सत्तू में आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर पोषक तत्व होते हैं। डायबिटीज की बीमारी में सत्तू पीना शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। सत्तू पीने से कई सारी बीमारियों का खतरा कम रहता है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा वजन बढ़ने की समस्या अक्सर बनी रहती है। ऐसी स्थिति में सत्तू पीने के कई फायदे हो सकते हैं। इसे पीने से मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है। इसके अलावा सत्तू में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम होता है। आपको बता दें डायबिटीज मरीजों को पाचन से जुड़ी समस्या होती है। ऐसी स्थिति में सत्तू का शरबत पीना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद जो फाइबर होता है वो आंतों के लिए अच्छा होता है। वहीं नियमित रूप से रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। साथ ही सत्तू आपको एनर्जी भी देता है। उम्मीद करते हो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।